सब जी राम राम जी कैसे आप सब ऐसा करते हैं आप सब ठीक होंगे और देखिए बच्चे तो चलेगा भाई स्कूल खाना बना लिया था आप सबने देख ही लिया है खाना बना लिया था और भाई बच्चे गए स्कूल में आठ बजे उनकी बस आती है क्योंकि भाई सर्दियों की वजह से स्कूल का टाइम थोड़ा लेट कर दिया है तो स्कूल में तीन बता चुकी और अब कर रही हूँ मैं अपना भाई झाड़ू पोचा क्लीनिंग वगैरह झाड़ू में सुबह उठता ही पूरे घर में लगा दी थी नीचे और बर्तन भी कर लिए हैं कुछ बर्तन अब रह गए हैं जैसे कि अब माँ ने और मम्मी ने और पापा ने खाना खाया ना तो उनके बर्तन रह रहे हैं और दूध डाल लूंगी गर्म करने के लिए कड़ावनी में तो वो काम रह रहा है वो करूंगी और नीचे भी कुछ काम करके आ गई थी क्योंकि भाई फिर खाना खाना लग गए थे तो मैं ऊपर आ गई फिर इनके पापा बोले भाई कपड़े मेरे हैं उनको प्रेस कर दो प्रेस करने लग गई उनको खाना वगैरह दिया अब वो चले गए हैं और अब करती हूँ मैं अपनी क्लीनिंग शुरू मैंने सोचा चलो अब ऊपर हूँ ना तो ऊपर से ही शुरू कर लेती हूँ तो आज मैं सोच रही हूँ चादर को बदल दूँ मतलब धो देऊँ तो चादर हटा लेती हूँ चादर को धोऊंगी और कमरे की कर देती हूँ पूरे की साफ़ सफाई कपड़ा वगैरह लगाना है सब कपड़ा लगा दूंगी तो चलो कर लेते हैं काम बने रहिए आप वीडियो में लास्ट तक और देखिए इधर लग गई हूँ फिर भाई अपने काम पे काम पे तो लगना है जैसे तैसे भी करना है भाई काम तो हमें ही करना है दूसरा कौन करके जाएगा तो चलो करने हैं अपने काम निपटा लेते हैं बात बातों तो में तो इधर लग गई भाई मैं अपने तक हैं इनके कवर निकाल लेती हूँ और जब तक हैं आज इनको भी दूंगी भाई शादी के टाइम के हैं ये तक है, और इतने दिन हो गए मुझे थोड़े से गंदे गंदे लग रहे आज इनको भी दो डालूंगी फोम के हैं मतलब खराब तो क्या होंगे स्लीपैल के हैं तक खराब होंगे तो नहीं तो थोड़ा सा टप में सर्फ डाल के और डुबो दूंगी और फिर इनको निकाल देंगी तो ये थोड़े साफ से हो जाएंगे फिर इनके अंदर ही ऐसा करूँगी एक एक कवर और करके और ऊपर से दूसरा कवर डाल दूंगी तो ये इतने गंदे नहीं होंगे तो ये देखिए गद्दे भी लगा दिए मैंने ठीक करके और दरी बिछा रखी थी वो भी अटा रही दरी दोगी और चादर भी हटा ली है और इनको बारी बारी डालती जाऊंगी मशीन में वो जो बच्चों के कपड़े थे वो डाल रखे हैं मशीन में साथ साथ वो भी धुल रहे हैं और ऐसे ही कर लेती हूँ ऊपर का काम करती हूँ तो ऐसे हो जाता है कि मशीन भी चला लेती हूँ साथ साथ मशीन का काम हो जाएगा कपड़े धोने का और कमरे की क्लीनिंग तो अब आ गई मैं ड्रेसिंग के पास तो मैं इसमें अपने इस मिरर को साफ कर रही हूँ शीशे को तो थोड़ी सी स्प्रे करके पानी की और फिर मैं कपड़े से पोस देती हूँ डेली तो इतनी मतलब बारीक बारीक धूल जम जाती है हर चीज़ पे पता नहीं कहाँ से आते डेली कपड़ा लगाती हूँ फिर भी और डेली क्या सुबह लगा देती हूँ और दिन में भी अगर मेरे जैसे भी आती हूँ ना अगर दिखता है कि कहीं मुझे थोड़ा सा भी धूल गर्द तो मैं साफ़ कर देती हूँ क्योंकि भाई ये मेरे को बिल्कुल भी, भी बर्दश्त नहीं होता एक टाइम रोटी खाने की टाल कर दो पर भाई मेरे को ये गर्दा वगैरह किसी चीज़ पर होना तो मन ही नहीं लगता तो ये सब चीजें तो कर दिया मैंने साफ ट्रॉली पे अलमारी पे सब जगह बेड वगैरह पे सब पे कपड़ा लगा दिया है और अब लगा देती हूँ तो तो आप तो जाता नहीं तो जितना हो सकता है वाइपर जितना जाता है ना वाइपर से मैं लगा देती हूँ और बस लगा दिया इधर बेड के नीचे तो वाइपर से और इधर से भी मैं लगाने की कोशिश कर रही पर भाई जैसे कुछ सामान होता है छोटा तो वो तो हटाना ही पड़ता है तो लगा देती हूँ फटाफट में वाइपर रख देती हूँ इधर और हाथ से ही लगा लेती हूँ फटाफट से पोचा तब तक कपड़े घूमने लग रहे हैं साथ साथ उनको करना ही है करके फिर जाऊँगी नीचे और नीचे भाई झाड़ू पोचा नहीं किया है नीचे का झाड़ू पोचा रह ही रहा है और टाइम बज रहे हैं सच्ची बताऊँ ना आपको तो शायद साढ़े नौ दस का टाइम हो रहा है और भाई ऊपर लग गई तो नीचे का रह गया रह गया और नीचे लग जाती तो ऊपर का रह जाता तो ऐसा बना मेरे साथ ना तो ऊपर का ही हुआ काम और ना नीचे का बीच बीच में भाई कोई दुकान में आ जाता तो चार पांच चक्कर नीचे बार बार जाने पड़ेंगे मेरे को कभी ऊपर कभी नीचे तो काम चला ही नहीं आज तो बिल्कुल भी तो इधर आ गई फिर मैं चूल्हे के पास झाड़ू लगा रही हूँ मैं तो दो बाल्टी पानी डाल के वहाँ से साफ कर दिया है और इधर लगा दिया था मैंने मैंने फिर अपना ये पानी गर्म होने के लिए लाइट का कोई भरोसा नहीं भी लाइट चली जाए तो फिर काफी देर लग जाती है आ जाए तो आ जाए नहीं आए तो नहीं आए तो इधर सूख गए थे बच्चों के कपड़े डाले थे मशीन में, में वो और और डाल दिया ऐसे साथ साथ काम चलता रहेगा धोती रहूंगी सुखाती रहूंगी सूख जाएंगे जाएंगी उतारती रहूंगी साथ साथ क्योंकि भाई मशीन में ड्राई करते हैं ना तो अब तो कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं धूप भी ठीक ठाक निकलती है तो देखिए इन कपड़ों को सुखा देती हूँ और ये जो बच्चों की जुराब है और रुमाल वगैरह है इन सबको यहाँ मैं खाट पर ही सुखा देंगे तो जल्दी यहाँ सूख जाएंगे सब और भाई सांस चढ़ बोलते बोलते <laughs> सफेद में ज्यादा बोलूँ ना तो सांस चढ़ जाए वैसे तो यो कर दिया भाई ये कपड़ा देखो साथ साथ इतना स्पीड में जैसे कि मैं इतनी स्पीड में काम कर रही हूँ ना भाई इतनी स्पीड में काम कर नहीं रही क्योंकि स्पीड बढ़ा रखी जैसे जब आप नु लगता इतनी स्पीड में कर रही पर हाँ नुस्से भाई फटाफट फटाफट फटा, 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 लाग रही थी अपना सब काम का ये भी वो करना है ये भी वो करना है तो इस आता है और सबसे भारी दिक्कत से भाई पानी लेकर जाओ और फिर मशीन में डालो और फिर उठा त्याओ और फिर उरे निचोड़ो यह दिक्कत है जैसे एक जगह फिट ना करवा रखी क्योंकि तो कि तीन बैठा ही कोने फिट करवाने को सो दो तो देखिए तकिया भी दे दिया था मैंने और धो तो दिया सब कपड़ा

तो दुकान में जाने के बाद आपने पता टाइम तो लाग ही जा है तो उसमें तो और बना रही हूँ इधर चाय माँ भी लेट हो गया चाय पीने के लिए और मम्मी गई है खेत में काश नहीं लेने के लिए और मैं बना रही हूँ चाय तो आप पिएंग चाय और भाई मैं भी वीडियो नहीं बना पाई बिल्कुल भी क्योंकि कोई दुकान में आ गया था तो वीडियो बनी ही नहीं तो बस और देखिए बन लाग रही चाय जय है फिर छाना गा और थोड़ी सी चाय निकल भी गई भाई और ये है घीयां गुड़ अमरूद हरी मिर्च और भाई ये मूंगफली और ये था लड्डू लाडू चाहे ले लिया डूगू पापा लेकर पनी का लड्डू और या चटनी से भैया डेगा हाँ ये बदाम फिर भाई अज आओ क्या खाना से सामान लिखा है तो पापा जी तू तो इन्हें दो देंगा दर देंगा और ये लड्डू है ये आया था सिमार मार है भाई इन मैं बड़ी कीड़ी इन कीड़िया तो चमकी जब जे जो तो एक दो एक दो से ये दीदी देख इन निकालू हूं और तो फिर चौक लगा के रखूंगी तो चलो एक चाय छान लै हा अच्छा दिद्यमान है और देखिए अब हो गया है श्याम का टाइम शाम के बच गए हैं चार और बच्चे आ गए थे स्कूल में उन्होंने अपने भाई कपड़े वगैरह चेंज किया कुछ खाना पीना था वो खा पी लिया है और मैंने चाय बना ली है और अंदर से झाड़ू लगा ली और अब मैं लगा रही हूँ गैलरी में झाड़ू और ये कैमरा इधर की साइड लगा रहा था तो अंधेरा लग रहा ओ, 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 आ गया है उसमें पता ही नहीं चला कि साइड से अंधेरा आ रहा है और अब आ गई हूँ मैं इधर की साइड देखिए इधर कर रहे हैं हम देखो आप लोग बथ वाले के आई थी मम्मी कासनी में ना मतलब कासनी लेने गई थी तो बथ वाले के आई थी समय हो रहा है अब तो तो जड़ समेत ले आई थी मम्मी तो इनकी जड़ तोड़ हाँ और इन्हें अपने लिया धरलियाँ फिर साफ कर दूंगी दोध दूंगी और थोड़ा सा भाई दनिया भी लेके आई थी क्योंकि खेत में काश ने तो मैं मतलब दिखाया था ना आप लोगों को तो उस दिन कि भाई बोया से धनिया वगैरह सारी चीज़ तो थोड़ा सा धनिया लेकर आई थी थोड़ा सा बथवा तो मम्मी बोली मैं तो जड़ समेत पाड़ लाई फिर ना फुटाएगा नड़ाओ के मतलब नड़ाव को बज नड़ाव वजह से मैं और बताओ बताओ तो थोड़े तो देख बिल्कुल एकदम एक छोटे छोटो कति कच्चो कच्चो बथो से भाई गाँव में रहने को यो फायदों से अब भाई ये चीज़ मिल जाए सर बाकी शहर में रहने हैं ये चीज़ भी मोल खरीदनी पड़े है और हमने तो हरी सब्जी खूब मतलब मोड़ी पालक गाँव में रहने को बिल्कुल इन चीज जाते हैं फायदे हो है जाए ऐसे अपना और ये बाजार में तो भाई बासू पुसो पर कब को मिले ऐसे इतना मतलब अच्छो भी ना मिले तो देखो ली है थाली हमने रियो ले लियो दानी है देख कच कचो कतनी छोटी छोटी पत्ती तोड़ के ले आई है मम्मी और वे तो भेज दिया दिया तो कह ले जा पर दिया फिर रखती थाली दिया बना रही थी वीडियो अपनी तो हाँ काश ने छोट छोटी लाइट से खरी जाएगी अपनी ने काश नहीं फिर भाई मारा डंगर बाट देख रहा है तो उन्हें मिला देंगे बीच में तो भाई आ हो बिल्कुल खत्म हो तो बाजर वगैरह जो थम है चून मिलाया करता काश ने मिला दिया करांगा चाट जैसे चरना के बाद बाद में हरे वो डाल देना तो पशु को पेट भर जाए आराम था और यो इधर दलियो पीस दियो मम्मी ने चून पीस दियो और दड़ियों पीस दियो था आज तो देखो यो ये दो टंकी से ये चून की से इन्हें साफ़ करके कर अंदर लेकर जाऊंगी जाऊँगी और काश नहीं काट लिया फटाफट फिर फटा भाई गोबर वगैरह भी गिर का फिर इतना टाइम ना रहे शाम को टाइम तो जब -की जब चले हो जाए से फिर करांगा अपना रोटी सब्जी की तैयारी खेत में बी पांच छह रोटी तो बची रही सका तो पर कोने टाइम आज ना जावा तो चलो तो 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 काट लिया फटाफट के घास निकाल ली थी और पशुओं को डाल रही मम्मी और मैं भाई ये गोबर केल है उनको घेर के आऊँगी थेप थेपना होता है भाई सर्दियों में गोबर थेकता जाता है गर्मियों में तो कौन थेपता है गर्मियों में, गर में तर नहीं थकते सर्दियों में थेपता है तो थेप के आएगी मम्मी फिर सुबह छः सात एल बन जाती है गोबर की तो इनको थेप देगी और बस ये थोड़ा सा कूड़ा था ये लेके जाएगी मम्मी और ये दो एल थी इनको मैं डाल दूँगी मतलब गोबर दूर डाल के आना पड़ता है थेपने के लिए वैसे तो यहीं डालते थे पास में ही पर थेपने के लिए दूर जाना पड़ता है देख भाई गाँव में एक ये बात और होती है घूंघट में जाना होता है बाहर क्योंकि भाई शहर में तो घूंघट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती पर गाँव में भाई अंदर तो हम अपना काम भी करते ही हैं पर बाहर जब निकलते हैं तो घूंघट में ही काम करना होता है ये है भाई गाँव की तो सबसे बड़ी रिवाज की भाई लेडीज़ को घूम तो करके रखना पड़ता है और फिर सब अपना काम करते हैं तो ये चुन के जो मतलब वो थी, टंकी यहाँ रख ली थी उठा करके और फिर मैं आ जाऊँगी फिर उनको कपड़े से साफ करके अंदर रख देंगे और अब करने लगी हूँ मैं सब्जी बनाने की तैयारी तो घियाँ कट कर लिए है टमाटर प्याज कट कर लिए हैं धनिया वगैरह सब चीज़ कट कर लिया है, कर लिया है, कर लिया है। और कचरी थी कचरी कचरी का उतार फिर कर कचरी भी मैंने कट कर ली है और आज बनाऊंगी मैं घिया कचरी प्याज टमाटर के और धनिया के इन सब की सब्ज़ी और भाई यकीन मानो बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी आप भी बना के देखना कचरी और घिया की सब्जी तो बढ़िया बनाती है भाई सब ने पसंद की थी हमारे घर में भी तो बढ़िया सब्ज़ी बनी थी छिलका उतार पहले तो मैं छिलके को नहीं हटाती थी कचरी का और वैसे ही बना देती थी अब मैं छिलका हटा के बना रही हूँ तो अच्छी बन रही है बस सिंपल तरीके से उसी तरीके से बनाती हूँ मैं सभी सब्जी जी ज़्यादातर यही तरीका है मेरा तेल तेल में जीरा गरम होने के बाद तो प्याज टमाटर और मसाला पक जाए तब तो अपने जो सब्जी है वो डाल देते हैं तो देखिए मेरा चौबीस तरह से तैयार हो रहा है कुछ और खुद अपने हाथ में पकड़ के वीडियो बना रही हूँ मैं क्योंकि डुबू से पकड़ा दिया था भाई तो डुबू ना फोन को नीचे रखे और भाग गया करा मैं नहीं बनाऊँगा तो ये देखिए ये है कचरी डाल दी मैंने इसमें और मैं थोड़ा सा पानी डाल डालूँगी और सूखी सब्जी बनाई थी बिल्कुल एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गई और अब बना लेते हैं भाई आटा लगाऊंगी सब्जी मतलब सीटी आएगी तब तक आटा लगा लेंगे फिर चली जाऊँगी ऊपर अपना रोटी बनाने के लिए और देखिए कर दिया है कुकर बंद दो सीटी लगवाऊंगी ज़्यादा नहीं लगवाऊंगी दो सीटी में ही सब्जी बनके तैयार हो जाती है और ये बथुआ था इसको भी मैंने धो करके रख दिया है तो सुबह आसानी से रायता बनाऊंगी तो उसमें यूज कर लेंगे अब धो के रख दूंगी तो ये फिर सुबह सुबह बार बार में मतलब क्या क्या काम करो सुबह वैसे ये देखिए मम्मी ने चादर जाई थी मम्मी चादर बिछा रही पापा आए नहीं है और बच चुके हैं आठ आठ बज गए हाँ कहाँ से आएगा तू तो? ऊपर ऊपर कहाँ बेड पे या खाट पर बेड पर खाट पे सो जाएगी आज नहीं मैंने चद्दर धोई दिया तो गंदी कर देगा तू फिर से नहीं नहीं करेगा नहीं ये बिछा रहे हैं फिर हम सोएंगे पापा आ जाएंगे जब तक खाना खा लिया आपने हाँ आज तो जीम आया है क्या क्या खाता है इसमें बता दे गुलाब जाम गुलाब जामुन नहीं खाए ना हाँ। तो क्या खाए पूरी हाँ। पनीर की सब्जी हाँ। सलाद चाउमीन रायता गोलगप्पे बस कौन से वाले होंगे <laughs> काम पूरा होगा ना तेरे सगुर को नहीं है सर हाँ कौन को, सी बुक करा रहा है मैथ्स सर तू ना करे भाई ही ना कर ऐसे, और देखिए लगभग चादर तो वही बिछाई दी है और चादर तो बड़ी मुश्किल से बिछती है क्योंकि इस साइड में जैसे हाथ जाता नहीं ना तो अकेले बंदे से तो भाई बहुत बिछ बिछाने में दिक्कत होती है तो इसलिए मैं थोड़ी शिल्पा की मदद ले लेती हूँ जब इस बेड पर चदर लगाती हूँ तो बस लगा दी है चादर और अब मैं डूबो से कह रही थी अपना स्कूल का काम कर ले तो कह रहा है कर लूंगा कर लूंगा बस इतने जिद्दी बच्चे हैं पापा आएगा तब करूंगा उनका ठीक है तो ये देखिए कंबल लगा लिया भाई ओढ़ने के लिए सर्दी ओने लगी थोड़ी थोड़ी तो आज इनके पापा कह रहे थे कि दूसरा कंबल भी निकाल लिया मैंने कहा और है। आप लोगों को हमारा लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आज के लिए तो इतना ही था मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में